सो इस तरीके की जो वायरिंग होती है भाई, ये सेम अब अगर अपनी गाड़ी में भी देखोगे तो ये जो वाइट कनेक्टर होता है भाई, ये सब निकाल देते हैं। और ये जो ये वाली वायरिंग है ये भी जो है ये क्लॉक स्प्रिंग के अंदर लगी जाती है, जिसको हॉर्न के लिए प्रॉपर पूरा लगाया जाता है। सो मेन इस वायरिंग का खेल होता है भाई, इस कनेक्टर को सब लोग निकाल के और प्लास्टिक की जो कुछ वायरिंग होती है, स्टील वायर होती है क्या होती है मुझे नहीं पता, क्या डाल देते हैं। सो यहाँ पर जो इसका प्लग एंड प्ले तरीके से बिल्कुल कनेक्टर टू कनेक्टर वायरिंग की जाएगी, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से खुलता है, कैसे प्रॉपर पूरा रेडी होता है। ये जो मेन पिन्स हैं वो इसके अंदर स्लॉट में जगह दी हुई है, इसके अंदर ये लगी जाती है। और इसी तरीके से सारी वायरिंग जो है ऊपर जोड़ी जाती है सिस्टम के साथ। सिस्टम में भी ये जोड़ते हैं, उसको भी हम कनेक्ट करते हैं अपने स्टीरियो वाले कनेक्टर के साथ, गाड़ी के वायरिंग कनेक्टर के साथ कुछ नहीं करते उसको हम। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल प्लग टू प्लग प्रॉपर पूरी की जा रही है, जिसके अंदर प्रॉपर पूरी कोडिंग होती है, कहाँ पर ब्लैक लगेगी, कहाँ पर रेड लगेगी और कहाँ पर ब्राउन लगेगी। सो सारी चीज़ें एकदम कोड टू कोड प्रॉपर पूरी की जाती हैं इसके अंदर। ये इस तरीके से इसके अंदर प्रॉपर पूरी लग गई, और देन इसके बाद इसके ऊपर ये लॉक दिया जाता है, जिसको लॉक से प्रॉपर पूरा दबा दिया जाता है। ये 100% सेफ है, सिक्योर है गाड़ी के लिए, कहीं कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं होगी। इसके बाद ये इसका हब लगेगा, हब के बाद इसके ऊपर प्रॉपर ये कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिविटी यहाँ आ जाती है। ये निकाल दिया वहाँ से, उसके बाद यहाँ पर एक प्लग एंड प्ले तरीके से इसका स्लॉट दिया हुआ है, जिसको एंगल सेंसर बोलते हैं। एंगल सेंसर इसके ऊपर लगा दिया, यहाँ पर एयरबैग लॉक क्लॉक स्प्रिंग लॉक है। ये टक देने से इसकी आवाज़ आ गई। नीचे का अगर आप देखेंगे तो नीचे भी जो है ये 100% प्लग एंड प्ले तरीके से प्रॉपर पूरा लगाया जा रहा है। ये इसकी वायरिंग कनेक्टर बस। बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैंने भाई अपनी लाइफ की पहली गाड़ी ली है, मैंने सब कुछ छान मारा, मैं पूरा चेक बैक किया कहाँ क्या क्या, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। मैंने जो काम कराया तसली बस काम होता है, अच्छा काम है, आप आओ अपना काम कराओ गाड़ी को परफेक्ट करो। आपकी गाड़ी हमारे पास ये यहाँ पर खड़ी है, एक नेक्सॉन। नेक्सॉन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो भाई सेम जो हमारा इंटीरियर मॉडिफिकेशन का काम है वो इस तरीके का काम हो रहा है। और गाड़ी जो हमारे पास आई है ये डोर बनेंगे इसके, सीट्स अंदर से निकली हुई हैं और प्रॉपर पूरी सीट्स बनेंगी इसकी, वो भी कस्टमाइज। छत भी देखोगे भाई, इसकी छत भी हमने आज खोल रखी है, जिसको कारपेट हम कर रहे हैं पूरी गाड़ी को। और रूफ जो है प्रॉपर इसकी बनेगी, और बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से इस गाड़ी का भी काम होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई आज ब्रीजा डे है हमारे लिए, तो एक ये बिल्कुल ब्रांड न्यू जिसके अंदर अभी नंबर भी नहीं लगा हुआ, टेम्परेरी नंबर पे हमारे पास आई हुई है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई सेम टेम्परेरी नंबर। और एक गाड़ी अगर आप बाहर देखेंगे तो वो एक ऐसी गाड़ी है जिसके ऊपर नंबर प्लेट लगी हुई है, और ये जो गाड़ी है 23BH, ये भी भैया जो है बाहर से आए हुए हैं। पूरी गाड़ी का काम हमारे यहाँ पर हो रहा है, और लग्जरी तरीके से हो रहा है, और जो नीट तरीके से हम इस गाड़ी का काम करते हैं नीटली एकदम। यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पर साउंड प्रूफिंग हमने करी है, ऑरा की डैम्पिंग लगाई, स्पेसर किट लगाए, स्पेसर के बाद इन्फिनिटी के प्राइमर्स हमने कंपोनेंट इसके ऊपर यूज़ करे, डैशबोर्ड की किट लगे कि सिस्टम जो हमने लगाया वो नाकामिची का 9 इंचेस का लगाया, स्टेयरिंग कवर प्रॉपर पूरा कसा जा रहा है सेम ऑटो क्रूज, सीट कवर की फिट फिनिश वो भी सेम अगर आप देखेंगे तो सेम ऑटो क्रूज के सीट कवर इसके ऊपर लगाए गए, जहाँ पर INDI की पहचान इसकी। रियर में अगर आप देखेंगे तो रियर के अंदर सेम इसमें हेडरेस LXi में लगे हुए नहीं आते, और रियर में हेडरेस हमने इसके इंस्टॉलेशन कर दिए। नीचे अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर क्रोकोडाइल फ्लोर मैट हमने करे इसके ऊपर, आर्मरेस्ट लगाया, यहाँ पे डैम्पिंग करी, पीछे हमने कोएक्सियल हमने यूज़ करे, और वो भी बिल्कुल एकदम भाई जो परफेक्ट तरीका है ना, वो मैं तो इस चीज़ को बोलता हूँ कि जिसके अंदर यहाँ पर स्पेसर लगेगा, स्पेसर लगने के बाद जो स्लॉट इसमें दिया हुआ है उसी स्लॉट पर प्रॉपर पूरा लगा जा रहा है। ये बहुत लोग होते हैं, मैंने वो देखा है कि लोग प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करते और यहाँ पर जो छोटे छोटे रिंग लगा देते हैं और या लकड़ी के भी रिंग लगते हैं, तो भाई जब ओरिजिनल चीज़ इसमें आती है कस्टमर से, कस्टमर पैसे देने को तैयार है चीज़ों के, तो क्यों ना हम उसको प्रॉपर तरीके से लगाएं। बिल्कुल गाड़ी जो है एकदम ब्रांड न्यू। अगर आपसे आपको दिखाऊं मैं तो आगे का फॉगलाइट का क्रोम ये हमने इंस्टॉलेशन करा, फ्रंट की स्किड गार्निश हमने करी, नीचे फ्रंट की ग्रिल गार्निश, सॉरी ये वाला जो पार्ट है इसको ग्रिल स्किड गार्निश बोलते हैं। यहाँ पर इसको देखोगे तो अब यहाँ पर व्हील आर्च, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोर वाइजर क्रोम लाइन, यहाँ पर विंडो का क्रोम, ये वाली जो साइड बिटिंग है सेम, ये भी मारुति का जनरल पार्ट है। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बैक साइड के अंदर आज हमने यहाँ पर ब्लॉपंग का कैमरा यूज़ करा, जिसकी फिट फिनिश, और यहाँ पर ये लिखा भी होता है भाई ब्लॉपंग 4.4 मूविंग लाइन, ये कैमरा होता है, ये बॉक्स इसका पड़ा हुआ।
सॉरी DH05 नंबर है ये, और क्लॉक स्प्रिंग यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। ये भी जो मारुति का जेन्युइन क्लॉक स्प्रिंग होता है, जो पार्ट निकला वो यहाँ पड़ा, जो स्टीयरिंग निकला है वो ये पड़ा, सामने का पैटर्न ये पड़ा हुआ यहाँ पर, और पूरी गाड़ी का काम एकदम बेस्ट तरीके से किया गया। रिफ्लेक्टर भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने फॉगलाइट का क्रोम, नीचे स्किड गार्निश, ऊपर बम्पर एक्सटेंडर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम इसको क्या बोलते हैं भाई, फेंडर गार्निश बोलते हैं। साइड के बिडिंग लग गए, विंडो क्रोम लग गए, डोर वाइजर अभी लगने हैं। डोर्स पे इन्होंने स्पीकर्स का जो है काम करा रखा है, डैशबोर्ड पे भी प्रॉपर इनका काम हो रखा है, स्टेयरिंग भी इनका किया हुआ है, सीट कवर्स इनके ऑटोफॉर्म के लगे हुए हैं, आर्मरेस्ट और जो चीज़ें की हुई हैं सारी चीज़ें भाई ऑलमोस्ट इसमें लगी हुई हैं। यहाँ पर माइक के ऊपर जो है इन्होंने जहाँ से काम कराया था वहाँ पर माइक का कवर नहीं मिला, सो यहाँ पर हम इनको ये लगा के देंगे। अपने पास जो एडवांटेज है वो 100% नीटली काम करने की है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एलेक्से में एड्रेस नहीं आते, वो भी इसके अंदर प्रॉपर पूरे लगे हुए हैं, और गाड़ी आई हुई है सेम हमारे पास, बिल्कुल ब्रांड न्यू टेम्परेरी नंबर यूपी से, यूपी लखनऊ से हमारे पास ये गाड़ी आई है। ये भी अगर आप गाड़ी देखेंगे तो इसमें भी सिस्टम का प्रॉपर पूरा काम चल रहा है, गाड़ी का काम हो रहा है सेम कार्लेबस शेड के नीचे। और भाई आज तो जो ये गाड़ी है वो हमारी आज बाहर भी खड़ी हुई है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर रोड साइड पर काम नहीं होता, और ये जो हमारी लोकेशन है हमारी प्रॉपर बे है, यहाँ पर कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है, इवन कोई ट्रक व्रक नहीं आता यहाँ पर, सो आज इसके ऊपर ही हमने पूरा काम किया हुआ है। सो पूरी गाड़ी की एक बार ही आपको फिटिंग दिखाऊंगा किस तरीके से गाड़ी का काम हो रहा है, कैसे ये प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो रहा है। सो मिलेंगे भाई एक छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और करते हैं आपसे बात थोड़ी देर में पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद। तो फाइनली ऐसी जो हमारे पास गाड़ी थी ये ब्रांड न्यू हमारे पास ब्रेजा कलेक्स मॉडल, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिना नंबर प्लेट की हमारे पास गाड़ी आई थी, जो कि टेम्परेरी नंबर पे गाड़ी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई भाई अभी, तो सर हमारे पास लेकर आ गए। सो आज हमने काम किया वो फ्रंट की क्रोम गार्निश लगाई, नीचे अगर आप देखेंगे तो फॉगलाइट का क्रोम इसके ऊपर इंस्टॉल किया। जितने भी अगर आप पार्ट देख रहे हैं सारे ये मारुति के जेन्युइन है। फ्रंट की जो ग्रिल गार्निश है ये भी प्रॉपर पूरी जेन्युइन है। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो ग्रिल गार्निश स्किड गार्निश है ये भी ZXI का पार्ट है, लगा हुआ स्मार्ट लगता है और बिल्कुल प्लग एंड प्ले तरीके से रहता है, जिसके अंदर ये वाले ब्लैक पार्ट होते हैं ये निकल जाते हैं इसके अंदर, ये प्रॉपर पूरा पार्ट निकल के इसके ऊपर ये ओरिजिनल तरीके का लग जाता है साइज। फ्रंट का ये पार्ट लगाया, नीचे का ये पार्ट लगाया, LED जो है वो शोरूम से सर को मिल गई थी, नीचे की स्किड गार्निश हमने लगाई। बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का जो आज हमने सिस्टम इसके ऊपर लगाया वो नाकामिची का 5510 नंबर हमने इसके ऊपर लगाया, जिसके अंदर ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले प्रॉपर पूरा वायरलेस है, 4G एनेबल्ड मॉडल है और बहुत सारे इसमें फंक्शंस हैं। और जो नाकामिची है ये जैपनीज प्रोडक्ट है भाई, और अपने आप में बहुत बेस्ट चीज़ है ये। 4G एंटीना के लिए प्रॉपर इसमें सिस्टम दिया हुआ है और वाईफाई एनेबल्ड है, GPS है 50x4, ये 100% 50x4 वोल्टेज का प्रोडक्ट है, 14x8 इक्वलाइजर है इसमें, और अपने आप में बहुत बेस्ट चीज़ है ये। इसको भी प्रॉपर हमने प्लग इन पे तरीके से लगाया। स्पीकर्स हमने लगाए वो इन्फिनिटी हर्बन के लगाए आगे, और आगे कंपोनेंट्स लगाए हमने इन्फिनिटी हर्बन के, और इन्फिनिटी हर्बन का ही हमने यहाँ पर बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो प्राइमर स्पीकर हमने इसके ऊपर इंस्टॉलेशन करे है। साथ ही साथ इसके ऊपर हमने डैम्पिंग यूज़ करी, जो कि 2.2 mm की ओरा ब्रांड की यूज़ करी, जिसको 180 डिग्री सेल्सियस तक आप चला सकते हैं और उसमें मेल्ट होने का कोई चांस नहीं है, और प्रॉपर जो है वो साउंड प्रूफ के लिए रहती है। फ्रंट प्रोफाइल में इतना ही काम था, साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये व्हील आर्च, ये भी मारुति सुजुकी का जनरल पार्ट, इसको भी प्रॉपर पूरा डबल टेप से लगाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये साइड की बिडिंग, जो कि ये भी मारुति का जनरल पार्ट है, माउंटेन का साइन इसकी पहचान के, ये मारुति का ओरिजिनल पार्ट है ये। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम चीज, डोर वाइजर जो लगे हुए हैं ये क्रोम लाइन के साथ लगे हुए, माउंटेन का साइन ये भी इसकी पहचान की, ये मारुति का जनरल पार्ट है। विंडो क्रोम गार्निश ये 6 पीस का सेट आता है, 1, 2 और 3 पार्ट इसमें लगते हैं, और ये भी पेस्टिंग वाले पार्ट है, ये भी पेस्टिंग वाला पार्ट है, नीचे वाला भी पेस्टिंग वाला पार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोर गार्ड इसके ऊपर लगाती है, डोर गार्ड भी जो है ये कार्बन फिनिश में है और फ्लेक्सीबल है और बहुत अच्छी चीज है, रबराइज होता है हिट होने के बाद, ये प्रॉपर मतलब जो इसमें बैक चाहिए वो प्रॉपर पूरा झेलता है, गिरने के कोई चांस नहीं है। इसकी MRP 2350 रुपये, इसकी MRP 2190 रुपये, इसकी MRP 2250 रुपये, इसकी MRP सेम 2350 रुपये, 690 का ये पार्ट है, 690 का ये पार्ट है, और जितने भी पार्ट्स हैं सारे मारुति के 100% जेन्युइन पार्ट है ये, सबके प्रॉपर पूरे बिल दिए जाते हैं। बैक प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ये यहाँ पर मिड गार्निश लगाई, मिड गार्निश भी जो है ये मारुति का जेन्युइन पार्ट, इसकी भी पहचान की ये इसके हिसाब से प्रॉपर पूरा बना हुआ है।
और इसकी जो करेक्टेड टेल लाइट जो ब्रेक लैंप है उसको प्रॉपर पूरा करेक्ट कर देता है ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम अपना ब्लॉकबंग का कैमरा लगा हुआ है इसके ऊपर, जिसको मूविंग लाइन उसकी भी प्रॉपर आपको आज मैं दिखाऊंगा किस तरीके से चलता है ये। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर गार्निश हमने यूज करे, रिफ्लेक्टर प्रॉपर यूज करे, रिफ्लेक्टर का भी जो फंक्शन है ये जैसे मैं पार्किंग ऑन करूंगा पार्किंग ऑन करते ही ये मैट्रिक्स इंडिकेटर में प्रॉपर पूरा चलता है। राइट इंडिकेटर दूंगा तो राइट में चलेगा, लेफ्ट इंडिकेटर दूंगा तो लेफ्ट में चलेगा, पार्किंग में ब्रेक अप्लाई करूंगा तो लाइट राइट हो जाएगी इसके अंदर। तो इस तरीके से ये पार्ट्स लग गया। बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है बैक की स्किड गार्निश हमने लगाई। फ्रंट रियर स्किड गार्निश का प्राइस 2000 रुपये, रिवर्स का जो कैमरा लगाया 2250 रुपये, नीचे का जो रिफ्लेक्टर लगाया 1250 रुपये, और इसी तरीके से जो एक्सटीरियर का पार्ट था वो प्रॉपर पूरा खत्म हो गया। गाड़ी का जो मॉडल है भाई ये CNG है, CNG के अंदर कंपनी फिटेड जो है ये पार्सल ट्रे लगी हुई आती है। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई ये बहुत सारे जो पार्ट्स हैं ये जो गाड़ी से उतरे वो सब हमने गाड़ी के अंदर रख दिए। स्टीयरिंग हो गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्लॉक स्प्रिंग है इसकी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सामने का डैशबोर्ड की किट हमने चेंज करी, नीचे का जेड चेंज किया, ये हमारे किसी काम का नहीं था तो हमने गाड़ी में रख दिया ये। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्टर ये भी जो है आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट जो हमने लगाया वो ओरिजिनल पार्ट था, सिर्फ उसमें लाइट नहीं जलती और जब इंडिकेटर रन करेंगे तो प्रॉपर वो पूरा काम करता है। इसी तरीके से भाई आपकी फ्रंट साइड और बैक गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई, गाड़ी सेम शेड के नीचे, कोई बाहर वाला सिस्टम नहीं है। डोर प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आज हमने इसके ऊपर डोर में लेदराइट यूज करा, जिसको सिल्क नापा बोलते हैं, सिल्क नापा के हमने डोर पैनल प्रॉपर पूरे रेडी किए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट क्विल का पूरा काम किया, यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दी। आइस ग्रे के डोर्स हैं तो आइस ग्रे के हिसाब से प्रॉपर पूरा थ्रेड वर्क यूज किया हुआ है, और जो लुक्स है दरवाजे की वो भी अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको एक परफेक्ट लोकेशन दिखाई देगी कि भाई हाँ यहाँ वाला पार्ट ब्लैक है, यहाँ वाले पार्ट को हमने सिमेट्री दी हुई ब्लैक की, और ये एक थीम सिस्टम दिया थोड़ा सा कि अगर गाड़ी का डोर खुलेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट फील आना चाहिए। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर हमने ब्राउन किट लगाई जो कि ZXI+ में आती है। नीचे का जो स्विच है ये 100% जेन्युइन है, क्योंकि जो फॉग लाइट है वो कंपनी से लगी हुई इनको मिली थी। यहाँ पर जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, ऑन करते ही यहाँ पर इसके अंदर लाइट आ जाती है, पार्किंग ऑन करने पे ये लाइट जलती है। और स्टीयरिंग कवर जो हमने यूज करा वो सेम हमने यूज करा इसका ऑटो क्रूज का, क्योंकि भाई आज जो सीट कवर्स हमने यूज करे वो भी हमने ऑटो क्रूज के यूज करे है। ऑटो क्रूज के अंदर जो ये कस्टमाइज कि जैसी ही प्रॉपर पूरी फिटिंग है, इसके अंदर सिल्क नापा का कपड़ा होता है, बिल्कुल 00 परफेक्ट फिटिंग आती है, गाड़ी के हिसाब से प्रॉपर सीट्स बनी होती है ये। यहाँ का डिजाइन थ्रेडवर्क और यहाँ के जो क्विल्ट के पैटर्न, स्टैंडिंग रूलिंग, आइस रे के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत 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 लग्जरी है, और बेसिक रन कर रहा है बेसिक। इसमें कोई थीम बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, कि भी ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कलर कंट्रास्ट ले लिया कुछ, जो गाड़ी का इंटीरियर था उसी हिसाब से प्रॉपर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर उसी के हिसाब से ये प्रॉपर लग गया। ये स्टीयरिंग जो आज हमने यूज करा वो ब्रेजा VXI का जो स्टीयरिंग आता है वो हमने इसके ऊपर यूज करा आज। ब्रेजा VXI के अंदर एक साइड में कंट्रोल्स आते हैं, एक साइड में कंट्रोल नहीं आते। नीचे यहाँ पे ब्लूटूथ का बटन है, ब्लूटूथ में प्रॉपर पूरे ये वर्क करते हैं। ये जैसे पार्किंग ऑन करते हैं पार्किंग के टाइम पे ये लाइट जल जाती है, पार्किंग बंद कर दी ऑरेंज कलर की लाइट बंद हो गई। भाई हमेशा जो हम लगा रहे थे आज तक वो एक साइड के कंट्रोल्स के साथ पैडल शिफ्टर के साथ, उसमें थोड़ा सा झोल रहता था कि एयरबैग के अंदर जो कनेक्टर होता है 12 पिन वाला उसके अंदर कोई कटिंग वटिंग वाला चक्कर होता है। कई बार कस्टमर कहता है कि भाई मुझे नहीं लगवाना या मेरे पास उस तरीके की कोई सेटिंग नहीं है, मेरी गाड़ी की वारंटी कोई चली ना जाए। सो इस गाड़ी के अंदर मैंने आपको सारे कनेक्टर दिखाए, जो हमने कनेक्टर यूज़ करे, वायरिंग हमने यूज़ करी वो सारी प्लग एंड प्ले तरीके से थी, और उसी के हिसाब से आपका गाड़ी में ये 100% बेस्ट ब्रेजा VXI का स्टीयरिंग कंट्रोल लग गया, जिसकी कॉस्ट ली हमने 4750 रुपये का हमने स्टीयरिंग कंट्रोल लगा के दिया। स्टीयरिंग कवर हमने करा यहाँ पर परफोरेटेड, इसके अंदर फील है, परफोरेशन वाला कपड़ा आएगी जिसके अंदर स्वेटिंग का इशू बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ वाले पार्ट को ब्राउन कर दिया, यहाँ पर जो डैशबोर्ड किट है इसको भी ब्राउन कर दिया, डोर प्रॉपर पूरे कर दिए, सीट कवर की जो फिट फिनिश वो भी बिल्कुल एकदम लग्जरी। हाथ रखने के लिए भाई ये वाला पार्ट एक बड़ा जरूरी था तो इसको भी हमने लगा दिया। नीचे के मैट्स हमने डाले क्रोकोडाइल में, फ्लोरिंग प्रॉपर पूरी कर दी बिल्कुल 00 गाड़ी के हिसाब से, और पूरी गाड़ी का जो फ्लोर आपका पूरा सेफ है भाई। अभी ये कुछ धूल मिट्टी है कि गंदा होगा तो ये इजीली प्रॉपर पूरा साफ कर सकते हैं। सिस्टम जो हमने लगाया वो सेम नाकामिची का लगाया, जैसी गाड़ी को बैक करूंगा बैक की प्रॉपर पूरी फोटो आ रही है। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आता है भाई हमारे पास, क्योंकि लाइट जल रही तो लाइट की रोशनी आती है।
माइक यहाँ पर लगाया, माइक भी जो हमने लगाया वो इसके अंदर बिल्कुल जेन्युइन लगाया। कस्टमर को मैंने प्रॉपर पूरा चेक कराया, बात कराई हमने उनको कि अगर आपकी आवाज कोई सुन रहा है तो उसको वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो भी चीज हमने सारी इनको टेस्ट करा के दी। ये वाला जो माइक है यहाँ पर 100% प्लग एंड प्ले तरीके से लगाया जाता है, नहीं तो लोगों के माइक अगर आप देखोगे तो यहाँ होते हैं, कोई यहाँ रख देता है, कोई इसके पीछे रख देता है। सो अपने भाई 100% कोशिश होती है कि मैं जो जेन्युइन पार्ट है, जेन्युइन तरीका है मेरा जो गाड़ी को काम करने वाला, वही सेम करूं। यहाँ पर नाकामिची का सिस्टम लगाया और सिस्टम जो हमने लगाया है वो 55-10 नंबर लगाया, जिसके अंदर सिम कार्ड स्लॉट है प्रॉपर, इसके लिए प्रॉपर पूरी जगह है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लॉट इसका दिया हुआ है यूएसबी के लिए। थोड़ा सा अंधेरा है और मैं इसको लाइट से लाता हूँ, एक बारी लाइट से थोड़ी सी आपको विजिबिलिटी का पता चलेगा कि वो कनेक्टर जो कहाँ लगा हुआ है, सॉरी जो यूएसबी का सॉकेट है वो कहाँ है। सो भाई वो ये वाला जो सॉकेट है यहाँ पर इसके अंदर प्रॉपर पूरा यूएसबी का स्लॉट है। पेन ड्राइव वगैरह आपने लगानी तो वो आप लगा सकते हैं, मोबाइल चार्ज करना है अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और जो सिस्टम है भाई वो सारे एकदम नीट एंड क्लीन बेस्ट तरीके से किए गए। सिस्टम की परफॉर्मेंस मैं आपको एक बार सुनाना चाह रहा हूँ। सिस्टम जो हमने लगाया वो सेम ब्रांड लगाया नाकामिची, नाकामिची के अंदर जो प्रोडक्ट हमने यूज करा वो 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला मॉडल है भाई ये, और अपने आप में मेरे हिसाब से बहुत 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 शानदार चीज है ये। ब्लूटूथ पे गए यहाँ पर, इसको अगर मैं खोलूंगा तो ओप्पो रेनो मेरा कनेक्टेड है मोबाइल, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो इसमें वायरलेस है और कोई भी इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर, ये भैया का मोबाइल बार बार टच हो रहा है, इसको बैक कर देते हैं, जेड लिंक पे चले जाते हैं और एक थोड़ा सा वॉल्यूम में सुन लेते हैं आज। NCS फियरलेस नाकामिची का जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। 14-band इक्वलाइजर है। सबसे बड़ी बात भाई जो नाकामिची का प्रोडक्ट है ये मारुति के अंदर ब्रांड अप्रूव्ड है। ये वाला पर्टिकुलर मॉडल अप्रूव्ड नहीं है क्योंकि इस मॉडल के अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, उसमें वायर्ड होता है। इसमें आप यूट्यूब रन कर सकते हैं, इसके अंदर सिम स्लॉट आप चला सकते हैं, उस वाले मॉडल में कुछ ऐसा फंक्शन नहीं है। सो ये जो मॉडल है इसकी 29,990 MRP है, जिसको हम 22,500 में देते हैं। रिवर्स का कैमरा हमने लगाया 2,250 रुपए की रेंज में, और जो हमने इसके ऊपर स्पीकर्स यूज करे वो भी इन्फिनिटी के करे 14,500 रुपए के, जिसमें हमने स्पेसर लगाए। और अपने आप में भाई अपना तो 100% इस गाड़ी को दे दिया और पूरी गाड़ी का काम हुआ सेम। कार लिबास का जो मेरा एड्रेस है दिल्ली करमपुरा का है, कीर्ति नगर मोती नगर मेट्रो मेरे बहुत पास में है। और उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास ब्रांड न्यू गाड़ी आती है उसी तरीके से सारे काम 100% बेस्ट हो जाते हैं। और जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था ये सेम नाकामिची जो प्रोडक्ट है ये 100% मारुति का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ये नाकामिची जो ब्रांड है वो मारुति के अंदर अप्रूव हो चुका है। पर्टिकुलर ये वाला मॉडल जो है ये 95510 नंबर है, ये वाला अप्रूव नहीं है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको फंक्शन बताया यूट्यूब नहीं चलता उस वाले मॉडल में, और इसमें सारी चीज़ें वर्किंग करती है। ये 4GB रैम 64GB वाला मॉडल है। सो इसी तरीके से हमारे पास जितनी गाड़ी आती है सब, ये गाड़ी जैसे ये खड़ी हुई है 23 है, CB अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारे पास काम के लिए आई हुई है और सेम टाइम अभी हो रहा है 12 बजे। सो थैंक यू सर आपका आने का बहुत बहुत। एक छोटा सा फीडबैक, आप दो किस तरीके से पहुंचे और काम का जो तरीका था वो कैसा लगा आपको? टाइम काम का तरीका बेस्ट है सर का, ऐसा आराम से कसली बख्श काम किया जाता है। और मैं सभी भाइयों को ये बताऊंगा जिसको अपनी गाड़ी वेस्ट उपयोग करानी है, पैसे का लोभ ना करे, भले कम सामान लगा लो पर कार लिवाज पे आओ, अच्छा काम कराओ और गाड़ी अपनी बेस्ट। आए भी आप दिल्ली से ही हो ना? गुड़गांव से आए हो? गुड़गांव से आया हूँ, मैंने आज ही गाड़ी ली थी और मैं सर को कई दिन से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। सर को क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मैंने भाई अपनी लाइफ की पहली गाड़ी ली है, मैंने सब कुछ छान मारा, मैं पूरा चेक बैक किया कहाँ क्या क्या,
कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। मैंने जो काम कराया तो असली बस काम होता है, अच्छा काम है, आप आओ अपना काम कराओ, गाड़ी को परफेक्ट करके ले जाओ। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो देखो यही पॉजिटिव फीडबैक है, तो कस्टमर जो वीडियोस में देखता है वही रियल में अपना फीडबैक देके जाता है। सो हर एक चीज़ कस्टमर के सामने होती है, जो वो बोलते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि भाई किसी कस्टमर ने हमें बोला कि ऐसे नहीं करना वैसे करना तो उसको अवॉइड किया जाता है। तो जो 100% अपनी पॉसिबिलिटीज़ है अपना 100% गाड़ी में देने के लिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देते हैं। सेम नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, नीचे लिखे मोबाइल नंबर मेरे 9811632352 999063352। तो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि काम हमारा कैसा लगा। थैंक यू।